एक्चुअली आज ही मेरे ड्राइवर ने नई कार ली है, इसलिए वो आ नहीं तो इसलिए साइकिल मेरे को खुद चलानी पड़ी। देयर इज द पार्किंग। ओह माय गॉड, देयर इज नो पार्किंग। ए शांति वन सोसाइटी किधर है? इतना बड़ा बड़ा लिखा तो है। बड़ा बड़ा क्या लिखा है? बड़ा बड़ा तो हर जगह लिखा है। बड़ा बड़ा तो हर जगह लिखा रहता है। बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन लोग मानते हैं। छह छह लेके घूम रहे कि नहीं? लिखी लिखाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। अभी मैं क्या बताऊं, अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में लिखा था टूलेट, मेरे को लगा टॉयलेट। मैं थोड़ा सा हल्का होने लगा। एक आदमी आके मेरे पे इतना भड़का ना, मेरे को फैमिली की बातें करने लगा, ऐसे माँ बहन टाइप। मैंने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा मेरे को कौन सा कुछ कुछ कह रहा है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं कप्पू का भाई टप्पू। कल ही जेल से मैं सजा का कोर्स कंप्लीट करके निकला हूँ। ओह माय गॉड, अगर मैं गलत नहीं तो आप वही है ना जो हर जगह होते हैं। सिद्धू जी, कप्पू आपकी बड़ी बातें करता है, हमेशा कहता है जब कोई हीरोइन आती है तो चुप ही नहीं करते, जब फोन करते हैं तो उठाते ही नहीं है। कल तो इन्होंने केक खा लिया, कहते केक बड़ा टेस्टी लेकिन गर्म बड़ा है। आपको एक बात बताऊं, जलती हुई मोमबत्ती निकाल के खाया करो, अच्छा लगता है। माय गॉड, अकेली खूबसूरत लड़की। हेलो, कौन? गिव मी हग। क्या कहा? लगता है तुम्हारी अंग्रेजी वीक है, गले लग जाओ ना। बड़े बदतमीज हो। इज्जतदार लड़कों की तो कदर ही कोई नहीं है। सुन ना फुलझड़ी, बात तो सुन। देखिए, मेरा नाम फुलझड़ी नहीं है, मोनिका है। फिर तो और मजा। मोनिका, ओह माय डार्लिंग, कम ऑन। बाबा क्या प्रॉब्लम है तेरे को? अरे अकेली लड़की को छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो दो सहेलियां बुला लो, ग्रुप में फ्लर्टिंग कर लेंगे, क्या है? गॉड, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं इस आदमी से? कोई है? ओ भाई साहब, देखिए ना ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ मेरी चाय की टपरी है, आप यहाँ लड़की मत छेड़िए। ओ भाई साहब, थोड़ा सा तो गुस्से में सनी देओल टाइप्स। अच्छा ऐसे बोलो ना। एक मिनट मेरी बात सुनो यार, तुम ना यार तुम गिटार क्यों नहीं सही बजाते? इतनी बार कहा तुम्हें गिटार सही ढंग से बजाया करो। अरे ओ भाई साहब, आप एक अकेली खूबसूरत लड़की को एक गुंडे के साथ छोड़ के आप चले गए? उसके हाथ में टॉर्च नहीं है, चाकू है, और मेरे को खुद को टमाटर वाली फीलिंग आ रही है, इसने तो मेरा सलाद बना देना है। एक मिनट, इतने गरीब मुंह पे तेरे टमाटर सूट करता है? कोई टिंडा टाइप बोल, टिंडा टाइप, कम ऑन, यू हग मी। देखो मुझे हाथ मत लगाना। करंट मारती हो? अरे बाबा सिर्फ हागी तो मांग रहा हूँ, कौन सा तेरे को प्रॉपर्टी पे तेरे सिग्नेचर मांग रहा हूँ, कम ऑन ना, क्या फर्क पड़ता है? हाथ चाहिए ना, थोड़ा सा हाइट कम कर दूं अपनी। जानू पहली बार प्यार में धोखा मिला है। ए, तू इधर कम। ओए खबरदार, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे चीन नहीं छेड़ना। अबे तुझे कौन छेड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा खाली आदमी। इधर इधर मेरी बात सुनो, क्या खाली खाली आदमी लगा रखा है तुम्हें? पता है इस टाइम पे दुनिया में सिर्फ दो ही लोग सबसे ज्यादा बिजी हैं, एक मैं, दूसरे सिद्धू साहब। ओ कॉमेडी, कॉमेडी वाली कौन सी बात है इसमें? ऐसे लोग होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता ना कि इस मैसेज को 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, ये इतना फ्री है 18 लोगों को कर देता है, दुआ फिर भी कबूल नहीं होती। ये बात बता, कप्पू का घर किधर पड़ता है? इधर। इधर? हाँ। ये ले 10 रुपए। वाह, एड्रेस बताने के पैसे? अबे एड्रेस बताने के लिए दे रहा हूँ, चाय बना चल। क्या तुमने चाय चाय लगा रखी है, आपकी तारीफ? हर कोई करता है, तू भी कर ले। नहीं, नहीं मेरे कहने का मतलब, कौन हो तुम? मैं कप्पू का भाई टप्पू, जुड़वा भाई। मैं कप्पू का भाई टप्पू, तुम्हें तो मैंने कभी देखा नहीं, जुड़वा भाई तुम कहां से हो गए? तूने जापान देखा? नहीं। इसका मतलब जापान नहीं है? है ना, मारूंगा तेरे पेट में से घुमा के ना। गलती मेरी है, जो इतना बड़ा आदमी हो गया ना, तेरे जैसे आदमी के मुंह लग रहा हूँ। कहाँ से बड़े आदमी, 8 किडनियां तुम्हारी, साइकिल पर तुम घूम रहे हो। अबे आने पे को तो मैं कार पे भी आ सकता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या? कार है नहीं मेरे पास। और तो और कार खरीद भी सकता हूँ, लेकिन हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम और है। क्या? पैसे नहीं है। होंगे भी कहाँ से, सारा कैश तो इन्होंने मेरे को दे दिया है। ये बताओ तुम करते क्या हो? पैसे ज्यादा हो तो मैं ऑटो कर लेता हूँ, और कम हो तो मैं बस कर लेता हूँ। काम क्या करते हो? बस और ऑटो भाग भाग के पकड़ने, कम काम है क्या? अभी पता है यहाँ आने से पहले मैंने भाग के ऑटो पकड़ा है।
मेरी बात सुनो यार, भाग के हमेशा बस पकड़ी जाती है, ऑटो नहीं। अरे मेरा छाता रह गया था ऑटो में, भाग के पकड़ा मैंने। एक बात बता, सोसाइटी में कितने लोग हैं? यार मैं चाय वाला हूँ, जनगणना वाला थोड़ी हूँ मैं। और क्या, इधर 20-25 लोग रहते होंगे बस। हाँ, इससे ज्यादा तो मेरे साथ जेल में थे। जेल में तुम क्या करते थे? प्लानिंग निकलने की। फिर कैसे निकले? सजा पूरी होने के बाद। देख ऐसा है, मेरे को ऐसी शो अरेंज कराना है। अच्छा, मॉडलिंग, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग का। अच्छा, मेरे को टैलेंटेड लोग चाहिए, 50,000 पर टैलेंट। तो फिर मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं सोसाइटी में। मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्या टैलेंट है तेरे में? डांस आता है? डांस बड़ा आता है, तुम्हें पता, डांस तो मेरे खून में, ये वाली उंगली काटू प्रभु देवा नीचे गिरते हैं। अच्छा, ये वाली काटू तो रेमो। अच्छा, ये वाली काटो तो? ये वाली काटो तो सरोज खान। ये वाली काटो तो? यार सारी उंगलियां काट दी, डांस मैंने ऐसे से करना है। तो चल फिर मेरे को डांस करके बता। म्यूजिक। तेरा डांस देख के यार मेरे को अजय देवगन की याद आ गई। थैंक यू वेरी मच। पर अजय देवगन तो डांसर नहीं है। तू डांसर है? जैसा तूने डांस किया है ना, किसी डांस शो में करते तेरे को 1.5 साल की फांसी होती। गाना वाना गा लेता कुछ? गाना तो आपने उस्ताद बोलाराम स्वीट वाले का नाम सुना है? अरे नहीं, कौन है वो? वो मिठाई बड़ी अच्छी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, साथ में म्यूजिक भी सिखाते हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। राग दरबार में कुछ सुना? नहीं नहीं, मैंने सोन पापड़ी बनानी सीखी है, गाना नहीं सीखा। म्यूजिक मैंने थोड़ा सा सीखा है। चल कोई राग दरबारी में सुना कुछ? नहीं, उसमें नहीं कुछ आता। राग भीमपलासी में सुना कुछ? उसमें भी कुछ नहीं आता मुझे। तो अपने घर के हालात ही सुना दे, पता तो चले मजबूरी क्या है। ना तो डांस सीख पाया, ना तो गाना सीख पाया। फिर क्या करूँ, आप ही बताओ। एक काम कर, हाँ, 2-4 गजले वजले सीख ले, ठुमरी वुमरी, बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा, बाकी सोसाइटी के लोगों को भेज। चल निकल। चलो ठीक है, निकल। ठीक है, अब होएगा इधर डांसिंग मॉडलिंग कॉम्पिटिशन। जुल्फिकर भाई साहब, हम सुना है कि यहाँ पे यार टैलेंट दिखाने के 50,000 रुपए मिलने वाले। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया, मेरे को एक हलवाई की जरूरत थी। ओहो भाई साहब, किस एंगल से हम आपको हलवाई लगते हैं? कोई एंगल हो तो बताऊं, चारों तरफ से तो गोल है। कौन सा एंगल बताऊं मैं? ये एंगल देखें आप, ये ऐसे आपके पेट पे पड़ेगा ना, जो इतनी से 1 इंच की नाभि 1 फुट की हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कभी कभी बिना पॉकेट वाली पैंट पहनते हैं ना, तो मोबाइल रखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अगर ऐसा हो सकता है तो क्या बोलता है, कर दे। तुमको क्या लग रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं? ये बता क्या टैलेंट है तेरे में जो तू मेरे क्लाइंट को एंटरटेन कर सकता है? लीजिए यार, देखिए इस बात पे कभी हमने घमंड किया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम कॉमेडी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लोग तो मेरे को बोलते हैं कि साइड से मैं कभी कभी ऋतिक लगता हूँ, लेकिन लगता नहीं है मेरे को, पता है। अपने हिसाब से सुना। देखिए, चलिए, एक हाथी था। अच्छा, पहले जोक में अपने आप को कास्ट कर रहा है। हाथी नहीं चलेगा। लेकिन क्यों नहीं चलेगा? रात 8 बजे के बाद है भी कुछ नहीं। विदाउट हाथी, एक विदाउट हाथी, एक कुत्ता था। कुत्ता बिल्कुल नहीं, कुत्ते से मेरे को बड़ा डर लगता है बाबा, ऐसे कुत्ता निकल के कहीं से भी काट लेता है मेरे को। नहीं, ऐसा किसे जोक में से निकल के कैसे काटेगा यार? अरे कुत्ते से बड़ा डर लगता है, जोक में से निकल के काट लेता है वो। जोक में से निकल के कैसे कुत्ता काटेगा? अरे कुत्ते का कोई भरोसा नहीं बाबा, उस दिन कार के नीचे से निकल के मेरे को काट लिया, ना हाथी ना कुत्ता, कोई कोई ऐसा जानवर वाला जोक। कोई ऐसा जोक सुना जिसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसे राजा रानी टाइप। अरे राजा रानी की कहानियां होती है, जोक्स नहीं होते। तू सुना ना, जोक्स लगेगा, तू सुना तो सही। ठीक है, कोशिश करते हैं। एक राजा रानी थी, उनका राज्य था। अच्छा, अभी पड़ोसी मुल्क की सेना आके उन पे हमला करती है। तेरे को कितनी बार कहा जानवर नहीं होना चाहिए जो समझ रहा है। जानवर किधर आया यार? तो जब पड़ोसी देश हमला करेगा वो को ट्रैक्टर पे आएगा, वो हाथी घोड़े पे आएगा ना। एक बार बता, तेरे को डांस आता है? हाँ, 1 मिनट का कर पाएंगे। क्यों?
नहीं करने को तो हम 6 घंटे का भी कर दे, लेकिन 1 मिनट के बाद लोग हमें रोक देते हैं। तो सीधा सीधा बोलना नहीं आता। अच्छा तेरे को ऐसा कुछ आता है, ऐसे मुंह से आग निकालना, ऐसे छाती पे ऐसे ट्यूब तोड़ना, ऐसे पलकों से ट्रक खींचना, ऐसा कुछ कर लेता है? ऐसा कभी लाइफ में किया नहीं है, लेकिन 50,000 रुपया मिलेगा तो थोड़ा सा ऐसा ट्राई कर सकते हैं। जाके जल्दी से इस सब करतब की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है ठीक है, फटाफट आ जा, हम तैयारी करके आते हैं। हम मुझसे ज्यादा कोई टैलेंटेड है ही नहीं। देखो एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मान जाना, इसका टैलेंट नहीं, इसका जरूरत से ज्यादा मोटापा बोलते हैं। मोटी तो पहले थी, अब तो काफी स्लिम हो गई है, देखो लग रही हो ना। और रही बात टैलेंट की, मॉडलिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, मुझे सब कुछ आता है। पहले कभी मॉडलिंग की है? अभी की ना, 15 मिनट पहले छत पे। इतनी मोटी मॉडल, सच सच बता तेरा महावत किधर है? आपको क्या पता कि जब मैं रैंप वॉक पे चलती हूँ ना, तो लोग सिक्के और नोट उड़ाते हैं। अच्छा करके बताओ बहन, ये क्या वॉक कर रही थी तू? ऐसा लगता छोले भटूरे ज्यादा खाली, चला नहीं जा रहा तेरे से, क्या है ये? इसके अलावा क्या कर सकती हो? मैं अफेयर कर सकती हूँ, वो भी दिन में 3-4 बार, क्योंकि भगवान ने हुस्न ही ऐसा दिया है ना। वो तो दिख ही रहा है, 150 किलो हुस्न। एक बात बताओ, डांस वगैरह कर लेती हो? मैं अभी करके बताती हूँ बाजी। एक मिनट। क्या तैयारियां पूरी हैं? जी जी, सुनो नागिन डांस। क्लाइंट आ रहा है, फटाफट जाके तैयारी कर लो भाई, थोड़ा देख तो लो। बाजी मैं अभी चेंज करके आती हूँ, देखना ऐसा डांस करूंगी ना। हट जाओ त्रिकुट भाई आ गए, हट जाओ। तो किसको हटा रहा है, इधर तो कोई भी नहीं है। हवा को, क्योंकि त्रिकुट भाई आज ही जल से छूटे हैं, उनको खुली हवा में सांस लेने में तकलीफ होता है। ओ त्रिकुट भाई, ये तलवार कैसे, मतलब कौन है आपकी गैंग में कटप्पा, किसने ठोक दिया आपको? अरे किसी ने नहीं मारी, अपन ने ऐसे रखी थी, सोचा था मयान है लेकिन मयान थी नहीं, पेट में घुस गई। ओहो तभी निकालो ना वापस। अरे मयान मिले तो निकालू ना, मालूम पड़ा निकाल ली और मयान नहीं मिली तो फिर से रखनी पड़ेगी। अरे ये सब छोड़ो, तू ये बता प्रोग्राम का सब इंतजाम हो गया है क्या? भाई देश के कोने कोने से टैलेंट ढूंढ के लाया हूँ, पैसा थोड़ा ज्यादा लग गया लेकिन बर्थ है, 5-5 लाख दिया सबको। तो ठीक है प्रोग्राम शुरू कर, चल। तो बैठिए। लेकिन किसी ने अपुन को पकाने की कोशिश की तो अपुन गोली मार देगा। भाई आपको क्यों पकाएंगे, आप चावल हो क्या? बैठो ना भाई। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ये जो आदमी बैठे हुए हैं, त्रिकुट भाई, इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन के मौके पे हम लोगों ने खास शाम का आयोजन किया है। तो सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूँ, जॉक्स के किंग, प्लीज वेलकम जॉकिंग। चलिए जॉक। अरे जॉक का तैयारी नहीं करके आया, तो कह रहे थे रॉड मोड़ने का तैयारी करके आया, बोले थे ना रॉड मोड़ने का। पहले जोक सुना के हंसा दो, खुश हो गया तो रॉड थोड़ी कम भी मुड़ेगी तो। बड़ा खतरनाक आदमी उसने खुद बोला। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जॉक्स का हमारा हमेशा तैयारी रहता है, हम तो ऐसे जोक सुनाते लोग हमें गले से लगा लेते हैं। लेकिन गला तो लाए नहीं, कैसे लगेंगे? तो आपकी नूरे नजर है जॉक जी। तो पेश है, एक पति है और एक पत्नी है। अरे पत्नी को गोली क्यों मार दिया? ये अपुन को पत्नी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। अब ये जोक वोक सब सुनाना छोड़ दे, जोक सुनाने के लिए अपुन ने इसको रखेला है, चल तू जोक सुना। जोक ये देख जोक कैसे सुनाना होता है। जोक तो आपको एक हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं, ये बंदा रॉड अपने सर पे मारेगा, सर पे मार। मारे सर पे मारोगे खून निकलेगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि रोड असली लोहे की है। तो आपके सर पे मार दे, क्यों आपके सर से भी खून ही निकलेगा, जलजीरा थोड़ी ना निकलेगा। बात करते हैं।
क्या प्लास्टिक का रॉड को लोहे का बना के लाए हैं, इसको मोड़ देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आदमी लोहे की रॉड को ऐसे नाभि में लगा के इसके मोड़ के दिखाएगा। अबे वो अपन बहुत देखेला है ऐसा करतब दिखाने वाले, प्लास्टिक के रॉड को लोहे की रॉड बोल के टेढ़ी करते हैं। एक काम कर, चल ये ले। अरे भाई उसकी वाली भी लोहे की है। नहीं नहीं ये टेढ़ी करके ये बता। तो चलो मेरे को कौन सा खुद को करनी, तेरे करना है। देखिए एक काम कीजिए, थोड़ा 5,000 कम दे दीजिएगा, लेकिन हम हमारा ही रॉड टेढ़ा करना चाहेंगे। अपन ने एक बार बोला ना टेढ़ी कर। हाँ कर रहे हैं। अरे बाबा उनकी वाला ही करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक आदमी है, उसने खुद बोला है। रुक जाइए कर रहे हैं। गोली मत चला ना, गोली ना यार, अब तो नहीं होगा यार, अब तो नहीं होगा। गोली क्यों चला दी, अभी टेढ़ी होने वाली थी रोड, 2 सेकंड बाय होने वाली थी, क्या करते आप? अरे ये घंटा भर हो गए, अपुन के पास इतना टाइम नहीं है, और ये रोड वोड टेढ़ी करना तो अपुन ने बहुत फिल्मों में देखेला है, कुछ और कर। क्या करूं, मुजरा करके दिखाऊं आपको? तो पहले बताना चाहिए था ना आप क्या क्या देख के आए हो। तो आप सबके लिए एक और पेशकश की जा रही है, ऐसे सिंगर को पेश करने जा रहा हूं कि जिसके गले में खराश तो है जादू भी है। प्लीज वेलकम Whatever. वाह वाह जी, फरमाइश कीजिए। अरे अपुन का फरमाइश करे जी, तू कुछ सुना दे। नहीं देखिए, मैं फरमाइश के बिना कुछ नहीं सुना सकता। हाँ भजन सुनेंगे, ठुमरी सुनेंगे, हिप हॉप सुनेंगे, टिप टॉप सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप? अरे अपुन तो ये सब रोज सुनता है, तू कुछ अलग सुना। अलग खबरें सुना दूं आपको फिर? खबरें? हाँ ये अच्छा रहेगा, खबरें सुना दे, ऐसे मनोरंजन के बीच बीच में ये भी पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन मैंने तो गाने तैयार किए थे। तो गाने के बीच बीच में डाल दे थोड़ा थोड़ा, भाई बहुत खतरनाक आदमी है। टमाटर को हुआ बुखार, टमाटर को हुआ बुखार, पति पत्नी में आई दरार, बच्चों की माँ प्रेमी संग फरार, पति खुश। ये क्या घटिया सी खबर सुना के चला गया? तो भाई जब जो देश में हो रहा है वही सुनाएगा, वो अपनी तरफ से थोड़ी ना सुना रहा है। बात बात पे गोली चलाते हो आप। अरे अपुन तेरे को 50 लाख ये सब करवाने के लिए दिया था क्या? कोई हीरोइन वीरोइन नहीं है क्या? तलवार निकालो, हो सकता है चयन आए आपको। हीरोइन ऐसी हीरोइन पेश करूंगा ना मर जाओगे आप। है? तो लीजिए आप सबके बीच डांसिंग एंड मॉडलिंग सेंसेशन मिस ऐश्वर्या सेन चोपड़ा। फिर नाचना? ओ नागिन डांस का वो चोपड़ा साहब जो आपने कहा था वो भाई को देखना है। म्यूजिक भाई देखो चलता है ऐसे, ऐसे लग रहा था कि नागिन धुन पे एनाकोंडा नाच रहा है, लेकिन एक ही फैमिली है। अरे ये कैसे मॉडल है? ऐसी है अभी, ये डबल एक्सल कपड़ों के लिए मॉडलिंग करती है ना, तो इसलिए वैसे थोड़ा, अदरवाइज ठीक है, ये शाम को पतली हो जाती है। कहाँ सच्चा था ना। ये क्या था ये? हाँ ये मॉडल अपुन को सही लग रही है। अरे ये तो बहुत सही लग रही है, ये तो है ही सही। तो मेरी छेड़खानी तुम्हें वापस खींच लाई। तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो गुंडे कहीं के? तुम खबरदार, चिरकुट भाई को गुंडा बोला तुम। चिरकुट भैया! अरे मोनिका मैं
जो आदमी है ना ये हमको छेड़ता है। तूने अपुन की बहन को छेड़ा? झूठ बोल रही है ये सेक्सी लड़की, मैंने नहीं छेड़ा इसको बिल्कुल भी। भैया ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे छेड़ा। भाई गोली मार दूं क्या? हर बात पे गोली मारते हो तो कोई शेर वेर मारे यार ऐसे। पिस्तौल गोली मारने के लिए लिया है क्या? अरे ये तो खराब खराब परफॉर्मेंस दिखवा के भाई साहब निकालिए जरा। हेलो निकाल, अरे निकालिए इससे नहीं। 50,000 दो मेरे को अभी के अभी, तीन तीन चार चार परफॉर्म करवाया मेरे से। अरे भैया पैसा गया भाड़ में, इसने मुझे छेड़ा। अरे तूने अपुन के बहन को छेड़ा, 50,00,000 रुपए ली और ये तलवार पेट में घुसी हुई है, अब उनका दिमाग खराब हो। अरे उनके 50,000 भर गए, इधर पैसा निकालिए भाई। एक मिनट देखो क्या देखो क्या 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 मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना। 50,000 अब उनको 50,00,000। तुझे क्या जरूरत है पीछे पड़ने की? हट। अरे भैया